पहले बताते हम अच्छा से चलते। नहीं जी लकड़ी थोड़ी है सब उसमें कहीं जाना नहीं है। रास्ता है इधर रास्ता नहीं है। बैक बैक गो बैक। इसमें इकोलॉजी दिखाया गया है। सुबियोलॉजी का सिस्टम होता है ना, एक ही स्पीशीज दूसरे की खाता है। मतलब खा लिया पतंजलि का गुफा। पतंजलि का गुफा कौन सा नाम है महर्षि? ये है गिलोरी है ना? नहीं है, नहीं ये हर श्रृंगार का पौधा है। क्या जी है? हर श्रृंगार का। हर श्रृंगार का इसमें वाइट वाइट फ्लावर होता है, तो बहुत ही हो जाता है। क्या होता है? हर श्रृंगार नहीं तो इसका क्या काम आता है? हो जाए ना टाइफाइड डेंगू कुछ हो जाए तो इसे 10-15 पत्तियां को तोड़ करके या फ्लावर को मिला करके क्रश करके सुबह शाम पिलाइए। 3-4 दिन में आपको जो है डेंगू का बुखार खत्म हो जाएगा। ये तो जंगल वाला लग रहा है। ये भी मेडिसिनल प्लांट है। ये छुई हुई है ठीक है, लाजवंती से कहते हैं। ये हाली मेडिसिनल प्लांट है। यदि किसी ने लकवा मार दिया है उसके बॉडी में कहीं लकवा मारा है उसको पीस के लेप लगाइए। दो तीन महीने लकवा, ये गवा का फूल है। ये लगभग हर जगह गाँव मिलता है, घरों में मिलता है ये फूल। इसके फ्लावर को डेली आप खाओगे ना तो जो दुनिया पर जाता चेहरे में खत्म हो जाएगा। झुरियाँ खत्म हो जाएगा इससे। सुबह शाम खिलाई खाली पेट वो दो ठीक हो जाएगा। तो ये बीमारी ऐसा है ना, इसमें कितना दवा खिलाई तो काम नहीं करेगा। अब तो इतना मिले वो तो अरहर का पत्ता होता है ना, अरहर जो दाल खाते हो अरहर, उसके पत्ते इतना तोड़ लो सुबह शाम उसके पिलाना है। कैसे पानी मिक्स करके पीसना है? कैसे पीसोगे बिना पानी? ठंडा नहीं है, पीस कर पिला देना है।
ये चटनी के होता है क्या दे रहे की वजह है नहीं तो ये पूरा पतला पीस देना है पत्ता बाबे तो अलग तो पत्ता है बनता है हार्ट की जितनी बीमारी दवा बनता है चीज बनता है हार्ट के ठीक है। देखिए गुलर 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 का क्या फायदा है, इसको खाओगे ना तबियत वगैरह नहीं होगा, डिसेंट्री हो गया वो ठीक हो जाएगा। सर सर गुलर का सब्जी बना करके डिसेंट्री ठीक हो जाएगा, तबियत ठीक हो जाएगा। लगा रहे हैं एलोवेरा का केप लगा सकते हो, इसे जेल भी मिलता है, बाल लगाओगे तो खत्म हो जाएगा। एलोवेरा के प्लांट को तोड़ के इतने दानी खाया करो ठीक है, पेट जितनी समस्या बीमारियां हैं सारा ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट खा सकते हैं सर? हाँ डायरेक्ट। किस चीज का करण? बहुत बड़ा बड़ा पत्ता है इसका, यहाँ हर चीज एक्स्ट्रा मिलता है। इसका पेट पता नहीं कितना बड़ा होता होगा। तो गाय को खिलाओगे दूध ज्यादा देगा, इसके अलावा इसके जो है पत्तियां बोलते हैं बाबा रामदेव योगा करवाते हैं, यही बिल्डिंग लग रहा है क्या संदीप, क्या कहना आपका? यही वाला बिल्डिंग है, हम लोग को भी लग रहा है बाबा जी का योगा सेंटर। और ये क्या है इधर? इधर तो रेसिडेंट लग रहा है, पता नहीं लोगों का रहने वाला। सब फोटो लीजिएगा तो आपका ये भी सब फोटो लीजिएगा तो आपका ये भी योगा तो प्रकृति में जब कुछ भी है ना सब कुछ ना कुछ तो काम का ही है। बेकार का कुछ नहीं है, बस वैसे हम लोग जानते नहीं है उसका यूज है। पता है सारा ना रोड वगैरह सब बना होगा, सीमेंटेड है ये, सीमेंटेड लग रहा है। हाँ सीमेंटेड है, क्या लगता है आपको? बात नहीं देख लो ये दिख रहा है ना, सारा सीमेंटेड किया हुआ है, पर रियल का डर लग रहा था। लग तो रहा था ना लेकिन है नहीं रियली में, नहीं है ये सारा सीमेंट और रोड का कमाल है। आओ यार इतना नेचुरल टाइप का कैसे बना देते हैं, कुछ नहीं सब आर्ट का कमाल है। मतलब गुण मतलब लेता बेनिफिशियल मतलब ताजा किलो ही रहता है, तेज पत्ता वाला लग रहा है, अपना मोटा था नहीं बड़ा नहीं पता करते ये हर जगह नहीं मिलता, लेकिन उत्तराखंड में रोड किनारे जहाँ तहाँ जो मिलता है। अशोक अशोक का अशोक जो आप लोग घरों में देखते हो ना, इसलिए अच्छा प्लांट पत्तियाँ वो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल अशोक है ठीक है। उसने जेनेटिक चेंज कर दिया झुंड में होता है ना अशोक का, ये लग रहा पुटुस वाला नहीं रहता है फूल, वैसा टाइप में लग रहा है। हाथ बनता है, दवा बनता है, किसका भी दवा बनता है ना, पायरिया हो गया मान लो, दांत उधर रहता है, दांत हिल रहा है तो उसको बाल को छील दीजिए, छील करके क्रश करके रात को फूलने दीजिए पानी, सुबह से पूजा कर लीजिए ठीक हो जाएगा। अंजीर है सर, अंजीर को इसमें सर जो हम लोग अंजीर खाते हैं इसी से बना हुआ रहता है, 1000 रुपये केजी है, बहुत महंगा आता है ये, ये तो सर ये खाने वाला चीज है, खाने वाला या साटने वाला? ये तो जंगली अंगूर लग रहा है, वो फल है तोड़ना मत, सच्चा अंगूर है ये वाला, तो सजाने वाला में मिल जाएगा आपको। पाइल्स हो गया है हाँ सर, तो इसके क्या सब पत्तियां खाने से गर्मी से ठीक हो जाता है, ये बहुत ही है जो हम लोग यहाँ रहता है। सर नाम क्या है इसका? ये सो प्लांट में यूज किया जाता है सर, ये नर्सरी मिल जाएगा ये वाला, डाल तो तुम्हें लगा तो लग जाएगा। नहीं नहीं ये इसमें खा दे ना, तुम साफ कर दो ये घर नहीं मिलता है, ये मिल जाएगा नर्सरी मिलता ही वाला। नो नाक दोन करते थे, नाक दोन नाक दोन
ये लोअर प्लांट है, जितने भी प्लांट है पृथ्वी ऊपर तो दो भागों में बांटा गया है, हाई प्लांट लोअर प्लांट। हाँ। तो जो लोअर प्लांट होते हैं ना उसमें फूल नहीं होता, फल नहीं होता है, तो इसके पीछे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बीज होता है, थोड़ा ही कहते हैं वो बीज हवा को लेता है, उसके नया प्लांट ग्रो होता है। आमड़ा ये तो स्नेक प्लांट है, नहीं आएगा, ये लो घर के किनारे बाउंड्री पे तो स्नेक प्लांट, एक स्टिक 100 रुपए 150 रुपए मिलता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा इसका रूट यूज होता है घोड़े। हाँ ये वाला तो कोंडार वाला लग रहा है, और इसका फूल भी है ना, वो उसका व्हाइट रहता है, इसका रेड लग रहा है। बड़ा इसका पत्ता देखिए बड़ा बड़ा है ना, सफेद चंदन वो तो वाला तान रहे, क्योंकि ये हम लगाए थे इसको, है ना। हाँ ये सफेद चंदन है और ये लाल चंदन, हम लोग आएंगे नहीं। अच्छा अच्छा अष्ट धातु देखिए, हम लोग जड़ी बूटी मिलता है, खाना मिलता है, दवा मिलता है, पूरा जीवन जो है लकड़ी है, जब फिर इतना इतना सारा है ना, सब लकड़ी पत्थर बच गया, समय था लकड़ी का। ये सब फ्लावर फ्लावर रखा हुआ है, कोई पेंटिंग सुना नहीं, ठीक है नहीं, कोई डंडा हो जाता है ना। देखो जैसे भी कैनवास पेंटिंग है, एक स्पेशल कपड़े बना के फिर बना के ना सब लाइन छोड़ गंदा हो जाएगा, ठीक है। इस पेंटिंग का ये वैलिडिटी है कि ये 2000 ईयर तक अच्छा रहेगा, खराब होगा ही नहीं, ठीक है। क्या चीज से बना है कपड़ा, क्या है ना कपड़े बना हुआ है, इसे कहते हैं बॉटनिकल ड्रॉइंग, जैसे आप लोग बनाते हो ना आदमी से आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कैटर में से बनाया जाता है, स्केच पैक्स कैसा है, फ्लावर का एलिमेंट कैसा है, फ्रूट का कलर कैसा है, पानी है, पौधे का जो स्टेम होता है ना मोटे मोटे तना, उस तना के ग्रो करता है इसको, और इसमें हर कैरेक्टर दिखाया गया है, फ्लावर के साथ लगा हुआ है, इसकी पत्ती कैसे मोटी है, मांसल्स है, पैक कैसा है, ठीक है। उसमें से हमारे पास 35,000 जो है ये कैनवास पेंटिंग है, इसके अलावा 30,000 हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये हैंड ड्रॉइंग बनाए, ये देखो ये हैंड ड्रॉइंग, ये सारा कैटर दिखाएगा फ्लावर के फैलिंग के साथ, ये देखो ये हैंड ड्रॉइंग, ये सारा कैटर दिखाएगा फ्लावर के फैलिंग के साथ, ठीक है। लेकिन क्लास डिजन वो दिखाया गया, ठीक है। और ये अपना वेलकम करे खाना लगाना है खाली, आप यहाँ बैठिए एक सेकंड के लिए, समझिए। अरे कौन है जी, पौड़ा पौड़ी कोची था। हाँ हर की पौड़ी। हाँ